बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो हमें इसको प्रूव करना है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। लेट जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1 बी द गिवन इक्वेशन। इस गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे पुटिंग जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है बेटा जेड का स्क्वायर माइनस का 2z प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये जेड यहां से हटा दिया, इसकी जगह 1 प्लस आयोटा आ गया। ये जेड स्क्वायर यहाँ से हटा दिया, इसकी जगह 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। हमें ये बात पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हम लगाएंगे भाई फॉर्मूला। तो भाई फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह 1 आ जाएगा, बी की जगह आयोटा आ जाएगा भाई। माइनस का 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो 2 आ गया, ये मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2 आयोटा, मतलब आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2 आयोटा आ गया भाई। प्लस का 2 माइनस का 2 दोनों चले गए, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 1 2 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो भाई 2 आयोटा से 2 आयोटा चला गया, आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी जगह माइनस 1 रख दिया, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो भाई पहली चीज़ तो वेरीफाई हो गई कि 1 प्लस आयोटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है, पुटिंग जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1। तो अब जेड माइनस 1 माइनस आयोटा रखेंगे जेड की जगह, जेड का स्क्वायर है तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर होगा माइनस का 2z, जेड की जगह 1 माइनस आयोटा प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस का 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2, माइनस का 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस प्लस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 आयोटा, या आयोटा स्क्वायर लिखा है इसकी जगह माइनस 1 रख दिया, प्लस का 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। 2 आयोटा से 2 आयोटा गया, 1 से 1 गया, 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में बराबर आ रही है। तो इसका मतलब है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफोर जेड 1 प्लस माइनस आयोटा सेटिस्फाइज द इक्वेशन जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। प्रूव हो गया भाई।